बादशाह डालेंगे तकरीबन इतना सा टुकड़ा। ग्रीन टी की जो पत्तियां होती हैं ये, इसके साथ आप जो काली चाय होती है जो हमारी नॉर्मल टी होती है, उसके बाद आपने इस तेल को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप इस तेल को छान लेंगे। मैं आपको बताऊं किस तरह से छानना, अच्छी तरह से निचोड़ना है ताकि वो तमाम चीजों का जो है अर्थ निकल आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम लोग? खुश होंगे और खुश रहिए। जब खूबसूरती की बात आती है फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि 50% बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा जो खूबसूरती है वो हमारे बालों से आती है। तभी हम बालों के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मज़े की बात यह कि हम बालों के साथ खेलते भी बहुत हैं। खेलने का मतलब है कि तजर्बे भी बहुत करते हैं हम बालों के लिए, कि दुनिया की कोई चीज़ हो हम आँख बंद करके वो तजर्बा जो अपने बालों पर कर लेते हैं कि उससे हमारे बाल गिर भी सकते हैं, बाल जल भी सकते हैं, बाल ख़त्म भी हो सकते हैं, और ये सब होता है। उसके बाद हम रोते भी बहुत ज़्यादा हैं कि जी बालों का ये हाल हो गया। और हकीकत है कि मतलब 50% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा हमारे जो खूबसूरती का सेहरा है वो हमारे बालों के सरी जाता है। अगर बाल अच्छे हैं, बाल अच्छे से बने हुए हैं, बालों की खूबसूरती है, बाल हेल्दी हैं, जो भी करना मतलब छोटे बड़े जो भी हैं, लेकिन बाल सेहतमंद हैं तो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, एक लुक हमारी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। कभी आजमा के देखिएगा, बड़े अच्छे अच्छे फिल्टर आए हुए हैं जिसमें आपके बाल गायब कर दिए जाएँ तो आप कैसे लग रहे होते हैं। और बालों की अगर स्टाइलिंग अच्छी सी कर दी जाए तो एकदम से चार चांद लग जाते हैं शख्सियत के ऊपर। तो बालों के लेके ही आज हम जो है ये चीज़ डिस्कस करें। आज की जो हमारी रेमेडी है ख़ास वो बालों के लिए है, और ये बहुत ही ख़ास रेमेडी है और थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है कि बाल लड़के हों लड़कियां हों, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है ये। और सारा इशू ये होता है कि बाल जो है जब गिरना शुरू होते हैं तो कंट्रोल नहीं होते, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं। बट ये जो चीज़ है, ये जो रेमेडी, जो चीज़ आज हम बना रहे हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत तेज़ी से गिर गए हैं और दोबारा ग्रो नहीं कर रहे। दूसरी, ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके बाल एक जो है ना लिमिट पे आकर रुक जाते, एक मतलब एक हद पे आकर रुक जाते और उनके बाल उससे आगे नहीं बढ़ते। वो ट्रिमिंग करवाती रहें बच्चियाँ, कुछ भी करते रहें, लेकिन बालों की ग्रोथ नहीं होती कि बस वो शोल्डर तक है या बस एक हद पे आके वो बाल, उससे आगे बाल बढ़ता ही नहीं चाहे कुछ कर लिया जाए। तो ये जो रेमेडी बहुत डिफरेंट है, बहुत ख़ास है, इससे आपकी बालों की ग्रोथ में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा। उसके अलावा बालों की सेहत में बहुत मतलब आप चेंज देखेंगे, और जो बहुत सारे तजर्बात करके बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो हम करते रहते हैं, कभी डाई हो रहा है, कभी रंग बिरंगे हमने बाल कर लिए, कभी कोई केमिकल, कुछ ना कुछ होता रहता है। और जो है ना कहना चाहिए ब्लो ड्राई या आयरन, ये तो हमारा रूटीन का हिस्सा हो गया, तो उसकी वजह से जो बाल डैमेज होते हैं उनके अंदर भी नई जान पैदा करता है। अच्छा जी, अब हमने इसमें करना क्या है, ये बड़ी ख़ास चीज़ है, बहुत गौर से देखिएगा, समझिएगा, और समझने के बाद फिर इसको बनाइएगा। क्योंकि आप अगर जल्दी जल्दी में आपने बस फॉरवर्ड करके देखा और बस चीज़ें लिखी, अच्छा ये डाल दिया और उसको सही से समझा नहीं, तो आपका जो भी जो ऑयल है वो वैसा नहीं बनेगा जो बनना चाहिए, और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको इससे मिल सकता है। सबसे पहले हम कलौंजी का तेल लेंगे। कलौंजी का तेल ईजीली मिल जाता है। अभी मैं सब चीज़ें जो है रेशो में आपको बता रही हूँ, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तकरीबन हाफ कप आपने कलौंजी का तेल लिया है। कलौंजी के तेल के बाद इसके अंदर आपने सरसों जो है, सरसों डालेंगे 1 टीस्पून, और उसमें आप डालेंगे एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून। टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं, मतलब खाने का बड़ा चमचा, लेकिन फ्रेश डालेंगे। उसके बाद ग्रीन टी की जो पत्तियाँ होती हैं ये, इसके साथ आप जो काली चाय होती है जो हमारी नॉर्मल टी होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, और इन दोनों को मिला के डाल सकते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये दोनों आपने ऐड किया है। इसके बाद हम इसमें बालछर डालेंगे, बालछर डालेंगे तकरीबन इतना सा टुकड़ा, और इसके साथ ही जो है हम अदरक का एक टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा हम इसमें ऐड करेंगे। खीरा छिलके के साथ क्रश करके 1 टेबल स्पून हम ये ऐड करेंगे। आलू का जूस तकरीबन 1/4 कप ये हमने इसमें ऐड कर लिया। अच्छा, आलू का जूस कोशिश कीजिएगा कि रात को निकाल के रख लीजिए, उसको खुला रखें, सुबह तक वो काला हो जाएगा। और ये 1/4 कप, 1/4 कप आपने आलू का जूस डालना है। ये तमाम चीज़ें आपने कलौंजी के तेल में डाली, और इसके बाद ये मेरे पास कोरामी का जो है ब्लैक ऑयल है, और इसका जो मेन जो इन्ग्रीडियंट है वो है भृंगराज ऑयल। भृंगराज ऑयल आपको अलग से भी मिल जाएगा, बट ये कि आप भृंगराज ऑयल जो है इसमें आप कोरामी से भी ले सकते हैं।
कोरामे का ये ऑयल आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप अलग से भृंगराज ऑयल ले लें। अच्छा, इसके अंदर जो है कोरामे का जो तेल है इसमें डिफरेंट चीज़ें और भी ऐड की हुई हैं, इसलिए कि भृंगराज जो है उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है तो डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, उसको मिक्स करके लगा दें ताकि फ्लू ना हो, ठंड ना बैठे इस वजह से। तो कोरामे के जो ऑयल के अंदर उसमें डिफरेंट ऑयल ऐड किए हुए ताकि उसको वो सबको फ़ायदा पहुँचाए। और इस तेल की खास बात ये होती है कि ये हेयर ग्रोथ के लिए इस वक्त 2021-22 की जो रिसर्च है उसमें भृंगराज इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और उसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कोरामे हेयर ऑयल के अंदर तमाम चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, तो वो आप ऑयल इसमें जो है कोरामे का हाफ कप ये ऑयल डालेंगे। अच्छा, अब हमने जब तमाम चीज़ें मिक्स कर ली, इसको हल्की आंच पे पकाना है, इसलिए कि इसमें खीरा भी है, आलू का जूस भी है, एलोवेरा जेल भी है, सरसों भी है, और इसमें अदरक भी है, और बालचर और टी जो पत्ते हैं चाय की पत्तियां वो भी मौजूद है। इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये तमाम चीज़ें जल ना जाए। हल्की आंच पे बिल्कुल आपने इसको रख देना है, इसमें हल्का हल्का जोश आएगा, पकता रहेगा। इतनी देर पकाना है कि तमाम चीज़ें खीरा, सरसों, अदरक, आलू का जूस, बालचर, पत्तियां सब जल के खुश्क हो जाए, मतलब स्याह हो जाएंगी। बिल्कुल आपको लगेगा सब चूरा बन गया है। जब तमाम चीज़ों का रंग बिल्कुल जल जाए, तब बिल्कुल चीज़ें जल जाए, उसके बाद आपने इस तेल को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आप इस तेल को छान लेंगे। मैं आपको बताऊं किस तरह से छानना ज़रूरी है, इसलिए वरना वो बालों में चीज़ें अटकती हैं। तो इसको आपने फिर छान के इसको तेल को, और आप ये अभी तो इसको हमने पकाना है, अभी पका नहीं तो तमाम चीज़ें इसके अंदर भर गई हैं, मतलब तमाम चीज़ों ने जो तेल है वो पी लिया है। तो इसको आप जब अच्छी तरह से पका लेंगे, जल जाएगा, तो इसको आपने कपड़े के अंदर छानना है ताकि इसका पूरा अर्क जो है वो निकल आए। मलमल के कपड़े में डाल के आपने उसको छाना है, अच्छी तरह से निचोड़ना है ताकि वो तमाम चीज़ों का जो है अर्क निकल आए। और ये तेल आपने लगाना शुरू करना है, लड़के लड़कियाँ, मेल फीमेल सब इसको लगा सकते हैं। सबसे जो अच्छा टाइम है तेल लगाने का वो रात का टाइम है। रात को तेल लगाइए, अच्छी तरह से मसाज कीजिए। तेल को बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्कैल्प में आपने तेल लगाना है। और अगर आपको लगता है कि आपके जो एंड्स हैं या शार्प्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, दो मुए हैं, तो फिर आप एंड्स तक लगाइए, वरना सिर्फ आपने जड़ों में तेल लगाना है, खूब मसाज करना है, 4 से 5 मिनट का मसाज करेंगे और छोड़ दीजिए। और सुबह उठ के सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ आप इसको वॉश कर लेंगे। नॉर्मल कोई भी नॉन केमिकल शैम्पू लाइक हेयर कॉस यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रीकॉस यूज़ कर सकते हैं, एनी सल्फेट फ्री शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आपने इस्तेमाल करना है। और उसके बाद अपना जो भी कंडीशनर या मास्क लगाते हैं वो आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी शैम्पू करते वक्त नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसका खास ख्याल रखना है। मिक्स पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, खारा पानी आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में 3 बार ये तेल लगाना है, अगर 3 बार आपको ज़्यादा लगता है तो हफ्ते में 2 बार तो लाजमी लगाना है। वो तमाम लोग जो अवॉइड करते हैं कि रात भर तेल नहीं लगा सकते हैं, उनको मुश्किल होती है या मतलब परेशानी है कि पिलो ख़राब हो जाएगा या कोई और इशू है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि नहाने से 1 घंटा पहले तेल ज़रूर लगाएं, और तेल लगा के शावर कैप या हॉट टॉवल जो है वो रैप कर लें ताकि तेल अच्छी तरह से बालों में जज्ब हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि तेल लगा के 2-3 दिन के लिए नहीं छोड़ना है, 1 रात या 1 घंटा, इससे ज़्यादा तेल को नहीं छोड़ना है कि सर्दी है 2-3 दिन के लिए तेल छोड़ दिया तो वो आपके बालों को नुकसान पहुँचाएगा। ये आपने इस्तेमाल करना है, इस तेल को बना के रखिए, आप कम से कम 3 से 4 महीने इस्तेमाल कीजिए, आपको अपने बालों की ग्रोथ में वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। जिनके बालों की लेंथ नहीं बढ़ती वो इंशाल्लाह खुद फील करेंगे उनके बालों की लेंथ बढ़ रही है, जिनके बाल पतले हो गए वो घने होना शुरू हो जाएंगे। ये डैंड्रफ को ख़त्म करेगा, स्प्लिट एंड्स को ख़त्म करेगा, जो 2 मुहे बाल होते हैं, और सबसे बढ़ के जो बालों जो बाल बेरौनक बेजान हो गए हैं उनमें दोबारा जान आ जाएगी, वो एक चमक आ जाएगी। तो ये तेल आपने लाजमी बनाना है, बना के अपने दोस्तों को भी भेजना है, ख़ुद भी इस्तेमाल करना है, और सबसे बढ़ के हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें, अल्लाह हाफिज़।